बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। सो एज यू ऑल नो दैट दिस इज़ योर ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस इंग्लिश, एंड इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट ग्रामर, एंड वी हैव स्टार्टेड आवर ग्रामेटिकल सिलेबस। एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन द प्रेपोजिशंस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द एसे मॉर्निंग वॉक। अब हम करने जा रहे हैं मज़मून सुबह की सैर। इंग्लिश में इसको मॉर्निंग वॉक कहते हैं, उर्दू में इसको सुबह की सैर कहते हैं। वन मोर थिंग, एट्थ क्लास, आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक पे कोई भी ऐसे दिया जाता है, लाइक अगर आपको क्रिएटिव राइटिंग भी दी जाती है, तो आपको सबसे पहले उस चीज़ की तारीफ़ों के बारे में लिखना होता है कि उसमें क्या क्या होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग वॉक की, तो दिस इज़ लाइक अ स्टोरी। ये एक स्टोरी की तरह होगी कि सुबह की सैर क्या होती है, कि आप, मैं सुबह की सैर के लिए जाती हूँ, और मैं कि फिर क्या क्या आप करती हैं, वो सब कुछ, सुबह की सैर से फ़ायदा क्या होता है, ये सब कुछ है ना मॉर्निंग वॉक के ऐसे में आ जाता है। तो द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आपने क्या करना है कि बहुत ही अच्छा और लाइक अ स्टोरी ऐसे लिखना है, स्टोरी की तरह के क्या क्या होता है। इसमें सेकंड फॉर्म भी आ सकती है ये ऐसे, लेकिन इसमें बाज जगहों पे सेकंड फॉर्म भी आ सकती है जहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है। ठीक है जी, सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क। काम शुरू करते हैं अपना। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं टॉपिक। टॉपिक से पहले डेट एंड डे लगा लेंगे, एंड द टुडे द डेट इज जुलाई 25। क्लास वर्क, एंड द डे इज सैटरडे। After this topic, essay, a morning walk. वन मोर थिंग एट्थ क्लास, आप लोगों ने जो भी काम करना है बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। एंड अनदर थिंग इज़ यू हैव टू लर्न दिस ऑल, जो भी करवाया जा रहा है उसको याद कर लें, क्योंकि इन करीब आपके फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, होने वाले हैं, तो तब तक के लिए आपको इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट वी हैव स्टार्टेड। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाता है। ठीक है जी, उसके बाद है आई एम एन अर्ली राइजर, मैं सुबह सवेरे उठने वाली हूँ, लास्ट फ्राइडे आई वॉक अप, पिछले जुमे मैं उठी, मैं जल्दी उठी, अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठी, विद द फर्स्ट क्रो ऑफ द कुक, मुर्गे की पहली बांग के साथ। पिछले जुमे को मैं मुर्गे की पहली बांग के साथ उठी। आई मेड अप माई माइंड to go out for a walk, made up my mind to go out for a walk, मैंने सैर करने का इरादा किया। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं।
आई वेंट टू अ फ्रेंड्स हाउस, मैं एक दोस्त के घर गई एंड इनवाइटेड हर, वॉइस आप हिम लिख सकते हैं, टू अ कॉम्पनी, ACCOMPANY, एंड अ कॉम्पनी, टू अ कॉम्पनी मी, और उसे मेरे साथ चलने की दावत दी. शी एग्रीड, वो राजी हो गई. अ फ्यू ओल्ड पीपल मेट अस ऑन द वे, रास्ते में हमें कुछ बूढ़े लोग भी मिले. दे वर गोइंग टू मस्जिद, वो मस्जिद जा रहे थे. We were soon out of city. हम जल्द ही मस्जिद से, शहर से बाहर आ गए थे. Morning breeze was blowing, सुबह की हवा चल रही थी. Birds were chirping, परिंदे चहचहा रहे थे. The scene was charming, मंजर बहुत दिलकश था. After about half an hour, आधे घंटे के बाद, we reached the canal bank. हम नहर के किनारे पर पहुंच गए. Some people were taking bath. While others were just sitting at the bank, the sun was rising in the east. सूरज मशरिक से तलू हो रहा था. It was very beautiful. To look at this sight, मंजर बड़ा खुशनुमा लग रहा था.
आफ्टर सम टाइम वी रिटर्न्ड होम We were happy and fit all day long. हम सारा दिन खुश और खुर्रम और चुस्त रहे. This is the essay, a morning walk, a very important essay. पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक सम एन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. आई एम एन अर्ली राइजर. Last Friday, I woke up early in the morning with the first crow of cook. I made up my mind to go out for a walk. C-O-C-K. C-A-M. I went to a friend's house and invited her to accompany me. She agreed. A few old people met us on the way. They were going to the masjid. We were soon out of the city. Morning breeze was blowing, birds were chirping, the scene was charming. After about half an hour, we reached the canal bank. Some people were taking bath while others were just sitting at the bank. The sun was rising in the east. It was very beautiful to look at this sight. After some time, We returned home. We were happy and fit all day long. So this is our essay, morning walk. And next we are going to do the application for marriage leave. In our next page, draw the margin line. An application for marriage leave is a very easy application. Like you want to go to an marriage party and you want some holidays, and you are going to write the application for that holidays. So this is all about application for marriage leave. कि आपने किसी शादी पे जाना है और आपको वहाँ पर जाने के लिए स्कूल में छुट्टियों के लिए एक दरख्वास्त देनी है. दैट इज़ अबाउट एप्लीकेशन फॉर मैरिज लीव. एप्लीकेशन फॉर मैरिज लीव. ओके जी, जैसा कि मैं आपको पहले भी 8th क्लास बता चुकी हूँ कि एप्लीकेशन और लेटर में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसका पैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. और पैटर्न में मिस्टेक आपके मार्क्स भी डिडक्ट करवा सकती है. तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो पैटर्न है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है. याद क्या कर लेना है, किसी भी चीज़ पर उसको पैटर्न को बार बार लिखें तो वो आपको याद हो जाएगा. उसमें ज़्यादा मुश्किल और परेशानी वाली बात नहीं है. सो लेट वी हैव स्टार्टेड. सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं द प्रिंसिपल, नेशनल पब्लिक हाई स्कूल, लाहौर. लेकिन अब एप्लीकेशन चूँकि आप बोर्ड की क्लास हैं तो वहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम तब लिखेंगे जब आप स्कूल में पेपर्स देंगे. अगर आप स्कूल के बाहर बोर्ड के पेपर्स देते हैं तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखेंगे. मैं आपको गवर्नमेंट हाई स्कूल ही लिखवाऊँगी क्योंकि सिर्फ NPS के नहीं और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं. सो लेट वी हैव स्टार्टेड द प्रिंसिपल, PRINCIPAL. PAL याद रखें, PLE नहीं लिखना. The principal, government high school. Students, जब आप स्कूल के पेपर्स देंगे तो आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे. लाहौर. Respected sir, it is submitted that the marriage party
of my elder brother. Comes on 31st instant. Valima ceremony will be on 1st I have to do a lot of work at home. मुझे घर पर बहुत ज़्यादा काम करना है. Therefore I am unable to attend school for 4 days. Kindly grant me leave for 4 days. I shall be very thankful to you for this act of kindness. Yours obediently, XYZ. अगेन पढ़ लेते हैं. The principal, National Public High School या Government High School, Lahore. Respected sir, it is submitted that the marriage party of my elder brother comes on 31st instant. Valima ceremony will be on 1st. I have to do a lot of work at home. Therefore, I'm unable to attend school for a few 4 days. Kindly grant me leave for 4 days. I shall be very thankful to you for this act of kindness. Yours obediently, XYZ. OBEDIENTLY. Obediently. Understand students, this is all about our work. सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का काम, आज का लेक्चर समझ आया होगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.